ओके सब लोग सिक्योरिटी गार्ड है कि नहीं? सिक्योरिटी का स्पेलिंग सबको मालूम है? हाँ, सिक्योरिटी का स्पेलिंग सबको मालूम है क्या? शुरुआत सिक्योरिटी की स्पेलिंग से बताओ। अल्फाबेट, अल्फाबेट का मतलब ABCDEFG, अल्फाबेट उसको बोलते हैं। और सिक्योरिटी किसको बोलते हैं? सिक्योरिटी की स्पेलिंग में पहला अल्फाबेट कौन सा है? अक्षर यानी अल्फाबेट। हाँ, पहला क्या आएगा? S for सिक्योरिटी गार्ड। आप क्या हो? सिक्योरिटी गार्ड। आप एक सिक्योरिटी गार्ड हो, बराबर। सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या है? माल की रक्षा करना है, सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या है? माल की रक्षा करना, जान की रक्षा करना, मॉल की रक्षा करना, जान की रक्षा करना, माल की रक्षा करना और मॉल की रक्षा करना, सब जगह देखभाल करना। जान की रक्षा करना, माल की रक्षा करना, देखना आगे पीछे, आजू बाजू, सब सब पे नज़र रहना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड का ये काम है कि सबके ऊपर ध्यान रहना चाहिए, आने जाने वाले को ध्यान रखना। सिक्योरिटी का मतलब जो आजू बाजू में होती है सिगरेट पी रहे या गुटखा पी रहे, उनको थोड़ा टॉर्चर कर। टॉर्चर? सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या है? सर, मेरा काम है सर, जब ओनर आते हैं, ओनर को ऊपर लिफ्ट से लेके जाना है, शाम को लेके आना है, और ऊपर उनकी रक्षा करना है, लिफ्ट में भी रक्षा करना है। उसको एस्कॉर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट। सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या है? सबकी रक्षा करना है। सबकी रक्षा करना है और मॉल की भी। हाँ, मॉल की और खुद की भी। सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या है? जान की रक्षा करना, माल की रक्षा करना और सबका सम्मान करना। ये तो कोई बोला ही नहीं सबका सम्मान करना, हमको सबका सम्मान करना है। इसमें सिक्योरिटी गार्ड का काम ये है, जान की रक्षा करना, माल की रक्षा यानी प्रॉपर्टी की रक्षा करना। जिस परिसर में आप लोग काम करते हो उस परिसर के, परिसर की रक्षा करना है, बराबर कि नहीं? उस परिसर में प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी बोलते हैं, जो प्रॉपर्टी ये चीज़ें हैं, उस चीज़ों की देखभाल करना, समझ गए? कोई सामान अगर चोरी होता है, कोई सामान अगर टूट जाता है या खराब, कोई किसी को चोट पहुँचाता है सामान को, यानी खराब कर देता है, यानी चोरी कर देता है, भाई इसका हमको रक्षा करना है, बराबर कि नहीं? ऐसा नहीं कि चीज़ें सिर्फ चोरी होती है, चीज़ें तोड़ी भी जाती है, चीज़ों का नुकसान भी किया जाता है, तो उसके ऊपर भी हमारा ध्यान रहना, यानी प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है? फिर बाद में जान की रक्षा में क्या आता है? जान की रक्षा का कोई भी हादसा होता है, कोई भी काम करते समय भी हादसा होता है, आग लगने के बाद भी हादसा होता है, तो हमको क्या करना चाहिए? सिक्योरिटी गार्ड को जान की रक्षा भी करना चाहिए। अभी आग लग गई तो जान की रक्षा कैसे करोगे? आग की रक्षा में, आग जब लगती है तब क्या होता है मालूम है ना? आग जब लगती है तो बहुत सारा नुकसान हो जाता है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जान की रक्षा करना पड़ेगा ना। जब जब आग लगती है तब हमको, इस जगह पे आग लगी है तो सब जगह पे धुआं धुआं होगा, कोई नीचे रहेगा, कोई ऊपर रहेगा, उसको हर जगह से निकाल के असेंबली पॉइंट में, असेंबली पॉइंट एक जगह पे लाना रहता है। तो ये सिक्योरिटी गार्ड का काम है, जान की रक्षा करना, उसको रास्ता, सही रास्ता बताना। अगर आग लगती है तो लिफ्ट में उनको प्रवेश नहीं करना है, उनको सीढ़ी से लेके आना है। सीढ़ी कौन सी जगह पे है किसी को मालूम नहीं रहता है, जो नए नए रहते हैं। अंदर आ तो गए लेकिन बाहर जाने का रास्ता मालूम नहीं मिलता, या मिलता भी नहीं है, ऐसा होता है। तो उसके टाइम पर हमको जान की रक्षा सिक्योरिटी गार्ड को ही करनी रहती है, समझ गए? उसके बाद में सबका सम्मान करना। सबका सम्मान करना का मतलब जो भी आपके सामने आता है तो पहला उसको गुड मॉर्निंग बोलना, उसको समय के अनुसार क्या करना चाहिए? आपको विश करना चाहिए, विश गुड मॉर्निंग सर, है कि नहीं? गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, और फिर बाद में आप उनसे क्या करेंगे?
बात करोगे, है कि नहीं? उनको कहाँ जाना है, कहाँ का उनको उनकी पूछताछ करोगे आप, उनका काम क्या है वो सवाल करोगे, और फिर बाद में अंदर छोड़ोगे। आप लोग गेट पे रहते हो, सिक्योरिटी गार्ड कहाँ पे रहता? हमेशा गेट पे रहता। तो गेट पे रहते वक्त आपको ये सब जानकारी आना चाहिए, क्योंकि आप प्रथम दर्शनी हो। क्या हो? प्रथम दर्शनी का मतलब विजिबल होते हो। सिक्योरिटी गार्ड पहला विजिबल होता है सामने, और सबको दिखता है, बराबर कि नहीं? अगर दिखता है तो सामने वाला सोचेगा, है कि नहीं? वो जानकारी पाएगा, और क्या पाएगा, और देखेगा। अगर चोरी के इरादे से आए तो डरेगा थोड़ा, तो इसलिए विजिबल रहना चाहिए। यानी हर एक आदमी को हम को देखना होगा, हमको दिखाना होगा कि हम है यहाँ पे। आप कोई जरूरत मत करो, क्या ना मत करो, कोई जरूरत नहीं करना चाहिए। इस तरह से हम ड्यूटी करेंगे तो सामने वाला अपने को डरेगा, है कि नहीं? विजिबल इसके लिए हमको रहना है। तो ये हो गया हमारा, सबका सम्मान करके भी हमारी बराबर से ड्यूटी करना, बराबर कि नहीं? यस सर। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कहीं पे भी बैठ जाते हैं, जहाँ पे ड्यूटी हमारी वहाँ पे बैठ जाते हैं, और नहीं तो कोने में रहते हैं। तो ऐसे वक्त पे सिक्योरिटी गार्ड को अगर बैठा हुआ रहेगा तो सामने वाला आएगा तो क्या करेगा, डायरेक्ट निकल जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, बैठे बैठे अगर उसको पूछेंगे या नहीं पूछेंगे तो क्या होता है, रिस्पेक्ट नहीं होता है। रिस्पेक्ट का मतलब अगर सामने भी आदमी खड़ा है तो हमें भी खड़ा रह के ही बात करना है, बैठ के बात नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया रिस्पेक्ट, समझ गए? यानी सबका सम्मान करना चाहिए। जब आदमी खड़ा है, जब आदमी आ रहा है, अपने को दिख रहा है, मैं बैठने के लिए ना मना नहीं करता हूँ। कुर्सी है तो हमको बैठना है, मगर कब बैठना है? जब कोई नहीं है, कोई किसी का आना जाना नहीं। जैसे ही कोई हमको यहाँ पे सामने दिखाई देता है, कम से कम 20 फुट दूरी अगर हमको दिखाई देता है तो उसी वक्त 30 फुट भी दूरी में दिखाई देता है हमको, लेकिन उस वक्त में हमको मालूम होना चाहिए कि वो आ रहा है, तो हमको उसके लिए खड़ा रहना चाहिए और सवाल करना चाहिए। पहले विश करेंगे, गुड मॉर्निंग सर, है कि नहीं? अगर किसी का ध्यान नहीं है तो क्या बोलेंगे हम लोग? सॉरी नहीं बोलते। किसी का ध्यान नहीं है और हमको उसको बोलना है तो क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी सर। ये आवाज़ ऐसे निकालेंगे उनके कानों में पहुंचना चाहिए, समझ गए? तो ऐसा पता चलेगा कि बाबा मुझे कोई पुकार रहा है। तो इसके लिए हमको सतर्क रहना है। कभी कभी क्या होता है कि उनका ध्यान नहीं रहते और वो तुरंत निकल भी जाते, तब क्या करेंगे हम लोग? वो सामने से आ रहा है और मैं यहाँ पे हूँ और वो आके हटा करके निकल जाएगा, तो मुझे तो ऐसा रहना चाहिए कि वो सामने आके मेरे पास देखे। कभी कभी क्या होता है, ईयरफोन लगा के वो लोग रहते हैं तो हाँ निकल जाते। तो हमको क्या करना चाहिए, अगर मुझे उनको पूछना है, उनको रोकना है, उनको विश करना है, तो मैं उनके सामने आऊँगा ना, दो कदम यहाँ पे हूँ मैं। अगर मेरा टेबल यहाँ पे, मेरा चेयर यहाँ पे, मगर वो रास्ता यहाँ से है तो मुझे यहाँ पे आना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर, ऐसा नहीं कि यहाँ से, जितना हम सामने रहेंगे उनके तो क्या होगा, एक रिस्पेक्ट होगा और बराबर होगा कि वो हम उनको रोक रहे हैं। और गुड मॉर्निंग सर, मुझे आपको सैनिटाइज़र लगाना है, मुझे आपका थर्मामीटर से क्या करना है, चेक करना है। तो ये सब चीज़ें हम लोग बोल सकते हैं, मगर बात करने का एक ढंग रहता है। जैसे सामने आता है तो हमको रेडी रहना है ना, रेडी पोजीशन में रहेंगे तो ये हम लोग कर सकते हैं, है कि नहीं? सामने वहाँ से दिखता है तो मैं पहले आके, हाँ ये यहाँ से आएगा तो मैं यहाँ पे खड़ा रहूँगा, यस, मैं तो उसका नज़र पहले ही जाएगा, नज़र जाएगा तब हम सामने खड़े रहेंगे। तो सामने जैसे आँख उठाता है और देखता है अपने पास, तब हम क्या बोलेंगे, उनको विश करेंगे, गुड मॉर्निंग सर। फिर बाद में हमको पूछताछ करना है, हमको कहाँ जाना है सर आपको, और फिर बाद में आपको अगर उनको सैनिटाइज़र लगाना है तो उनको, रुकिए सर मुझे आपको आपका टेम्परेचर चेक करना है और सैनिटाइज़र लगाना, ये सब चीज़ें हमको बोलना होता है और करना होता है, बोल के करना होता है। ऐसा नहीं कि बस ट्यू किया, है कि नहीं? कोई क्या करता है डायरेक्ट आके, ये होता है। पहले हम लोग ये करने से अच्छा हम लोग कुछ मुँह से बोले। अगर 10 आदमी रहते और 5-6 आदमी रहते, अगर 10 आदमी 5-6 आदमी एक साथ आते हैं तो हमको क्या बोलेंगे,
हम सबको मिला के बोल सकते हैं ना ग्रुप में, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एवरीवन का मतलब सबको आ गया है कि नहीं, सबको नमस्कार हिंदी में अगर बोलना है तो। और फिर बाद में यहाँ पे आके थर्मामीटर से आपका टेम्परेचर चेक करना है और सैनिटाइज़र करना है। सब लोग यहाँ पे अपना टेम्परेचर चेक करेंगे, सब लोग यहाँ पे आके सैनिटाइज़र करेंगे, ये बोलना है हमको और करना है। तो ये चीज़ें क्या होती है जो चार पांच लाइन में है वो कर रहे हैं, और तो दूसरा भी आ रहा है तो वो भी लाइन में आ जाएगा। तो चीज़ों को अलग अलग काम से करना है। अगर हम लोग गेट पे है, गेट पे तो हमेशा गेट कैसा रहना चाहिए, बंद रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि जल्दी आपको तुरंत काम करना है तो गेट को पकड़ के रखना है, समझ गया। आपको लगता है कि चलो अभी मैं थक गया तो मैं गेट के बाजू में बैठ जाऊंगा चेयर लगा के, मगर मेरा गर्दन दाएं और बाएं दोनों तरफ रहना रहेगा, दोनों तरफ यानी चारों तरफ भी रहना चाहिए। जैसे आपको लगता है कि दाएं और बाएं रास्ता है तो दाएं और बाएं हम देखेंगे, है कि नहीं, सामने है तो सामने देखेंगे और पीछे रहेगा तो पीछे से भी देखेंगे, मगर हमारी गर्दन घूमनी चाहिए जब हम बैठे रहते, तो कहीं से भी कोई भी आ सकता और हम लोग उस वक्त गाफिल रहते हैं तो वो बोलेगा इसका ध्यान ही नहीं, मैं यहाँ से गुजर रहा था, तो है कि लोग जाएंगे भी और फिर बाद में हमारा ध्यान भी नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें के ऊपर हमको ध्यान रहना। हम लोग किसी से कभी बात करते समय ऐसा होता है कि सामने से कोई गुजर रहा है वो भी हमको दिखता नहीं है, तो ये सब चीज़ें में ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई सामने से यहाँ पे है और सामने से एंट्रेंस है तो हमको उनको साइड में यहाँ पे आके साइड में खड़े रहिए और बात कीजिए। बात करते समय हमको हमारा लक्ष्य जो है वो भी हमको देना है। हाँ, नहीं तो ऐसा नहीं कि बात करते करते मशगूल हो गया, सामने से कोई आ रहा है उसको सैनिटाइज़र भी नहीं कर रहे हैं और फिर बाद में सैनिटाइज़र भी नहीं कर रहे और टेम्परेचर भी नहीं चेक कर रहे। तो ये सब चीज़ें के ऊपर हमको ध्यान रखना है, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड का काम ये है, जान की रक्षा करना, माल की रक्षा करना और सबका सम्मान करना। इस तरह से हमको ड्यूटी करना चाहिए कि तुरंत सामने वाले के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। उसके बाद में क्या आता है, एस के बाद ये आता है, ये आता है ना, तो जवाब दो ना जोर से, सब लोग मिलके जवाब दो। ई फॉर ईगल, ईगल आय, ईगल आय का मतलब तीक्ष्ण नज़र से देखना। तीक्ष्ण नज़र से कैसे देखोगे, दाएं, अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ का ही दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे गर्दन घुमा रहा हूँ तो मुझे कहाँ का दिख रहा है, बाएं का दिख रहा है, मैं यहाँ पे घुमा रहा हूँ तो दाएं का दिखेगा और मैं पीछे घुमाऊँगा तो पीछे का भी दिखेगा। तो हम चारों तरफ मुझे तीक्ष्ण नज़र से दिखाई, तीक्ष्ण नज़र से देखा तो ये मुझे दिखाई दिया, अगर मैं ऐसा ही देखते रहूँगा तो ये नहीं दिखाई देगा। तो ये सब चीज़ें, अगर मुझे यहाँ से कहाँ तक दिखाई दे रहा है वहाँ तक, तो मैं यहाँ से वहाँ तक नज़र होना चाहिए हमारा, यहाँ से हमारा वहाँ तक नज़र होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग ईगल आई की तरह हमको तीक्ष्ण नज़र से देखना है, वहाँ तक भी हमारी नज़र जा रही है तो वहाँ तक, यहाँ से थोड़ा मैं वहाँ जाऊँगा तो वहाँ का थोड़ा दिखेगा। तो ये चीज़ कब दिखेगी, जब हम दो कदम आगे बढ़ाएंगे, दो कदम पीछे बढ़ाएंगे और दो कदम दाएं बढ़ाएंगे, दो कदम बाएं। तो ये ऐसी हमारी ड्यूटी रहेगी, ईगल आई की तरह तीक्ष्ण नज़र से मैंने देखा तो हम देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए हमको बैठना कम और दो कदम ज़्यादा आगे और दो कदम पीछे देखना है। अगर कोई वहाँ से गुजरता है तो अगर मुझे रोकना है तो मैं रोक सकता हूँ, देखने के बाद रोकूंगा क्या, बिना देखे रोकूंगा, इसलिए ईगल आए की तरह तीक्ष्ण नज़र से। मेरा लक्ष्य क्या है, सिक्योरिटी गार्ड का लक्ष्य है जान की रक्षा करना, माल की रक्षा करना और सबका सम्मान करना। लेकिन मैं अगर लक्ष्य नहीं दूंगा, सर क्या दिखा सिखा रहे, सीखो आप पहले। जब मैं लक्ष्य नहीं दूंगा, समझ गए, जब मैं लक्ष्य नहीं दूंगा तो मैं उसके ऊपर गौर कर पाऊंगा क्या, बरो इन्होंने लक्ष्य दिया वो वहाँ पे है, वो सुनाई देगा कि नहीं मालूम नहीं, उन्होंने सामने लेके आए। तो ये हो गया लक्ष्य, हो गया ईगल आए, समझ गए, तीक्ष्ण नज़र से देखा और कुछ काम किया, क्या किया, वहाँ पे था वो उसको नज़दीक लेके आया।
तो ये हो गया तीक्ष्ण नज़र, यानी हमारा लक्ष्य क्या है ये हमको मालूम होना चाहिए, उसी तरह हमको काम करना चाहिए। उसके बाद में सी, सी का मतलब, सी का मतलब क्या है, सी का मतलब हाँ कौन बता सकता है? एस हो गया सिक्योरिटी गार्ड, उसका काम क्या है, सुरक्षा रक्षा करना। उसके बाद में ई फॉर ईगल आए, तीक्ष्ण नज़र से मुझे दाएं बाएं चारों तरफ देखना है, देखना देखने के बाद मैं क्या करता हूँ। सी फॉर, सी फॉर केयर करना, सी फॉर धाड़स यानी करेजियस, सी फॉर इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, करेजियस धाड़स करना, धाड़स। आगे मैंने देख लिया, मैं तो देखता हूँ बस, देखने के बाद मैं अगर कुछ नहीं बोलता हूँ तो उसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास धाड़स ही नहीं है, धाड़स नहीं है मतलब क्या है, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ उसको। मैंने कहा सर मैंने देखा लेकिन मुझे लग रहा है कि वो मुझे ही डांटेगा, अगर ऐसा लगता है तो मैं क्या कर रहा हूँ, सुरक्षा कर रहा हूँ क्या, नहीं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ है कि नहीं। देखने के बाद मैं डर रहा हूँ उसको बात करने के लिए, वो वहाँ पे जाके सिगरेट पी रहा है तो मैं रोकूंगा, सर यहाँ पे सिगरेट पीना मना है, आपको वहाँ पे जाके सिगरेट पीना है, समझ गए। तो ये क्या हो गया, धाड़स हो गया, मैंने कुछ बोला, मैंने देखने के बाद मैंने मेरा काम करना चालू किया, तो मेरा काम करने के लिए मुझे शर्म आनी नहीं चाहिए, मुझे धाड़स करना चाहिए, क्या करना चाहिए, धाड़स करना चाहिए। तो धाड़स मैं करूँगा तो, धाड़स मैं करूँगा तो क्या, हाँ मॉल की रक्षा कर पाएंगे, किसी को अगर रोकना है टोकना है तो मुझे धाड़स करना है। अभी क्या हुआ था वो दिन, हमने क्या किया, हमारा काम अगर परफेक्ट रहता है तो मैं दरवाज़ा ही बंद करके रखूँगा, थोड़ा मेहनत लगेगा, थोड़ा तकलीफ होगा, हमको होगा और उनको भी होगा, समझ गए, मगर काम परफेक्ट रहेगा मेरा, अगर तो डरने का नहीं, हाँ धाड़स दिखाने का, पहली बार हमारी आवाज़ पहुँचनी चाहिए। अभी देखो मुझे उसको डांटना नहीं है, मगर मैं किसी और को डांट के दिखाता हूँ कि मैं एक बलवान सिक्योरिटी गार्ड हूँ, बराबर कि नहीं। कल आप बोल रहे थे वो क्या नाम उसका, मेमरीज क्या, मेमिस क्या, पहले वाले पे वो जो ऑफिस है वो डांट रहा है तुमको, तो ऐसा मेरे मेरे नारायण मामा को लिखी सुन के लेने का, तो हमको क्या करना चाहिए, हमारा काम ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला मुझे पहले से ही डरे, है कि नहीं, पहले से ही डरे। मैं काम करने के समय मैं कड़ी लगा के रखूँगा और बोला हाँ ये तो भाई बड़ा कड़क गार्ड है, ड्यूटी कर रहा है, अच्छी तरह से ड्यूटी कर रहा है, तो मैं उस मेरा सुनेगा नहीं, मेरा चलेगा नहीं, वो सामने वाले को डराने का काम करता है, डराने का काम करता है, तो चुपचाप वो कुछ ना बोले, मैं चुपचाप निकल जाऊँ, मेरे को कोई तकलीफ ना हो, मैं जो चाहूँ मैं करना चाह रहा हूँ वो मैं उसको डरा के काम करवा रहा हूँ। अगर मैं जाता हूँ वहाँ पे तो मुझे क्या बोलता है, क्या वो नहीं बोलता है, मुझे क्या बोला वो, मुझे हाँ ठीक है, मैं बोला सहकार्य करा, तिकडनं येण्याचा रस्ता आहे आणि तिकडनं जाण्याचा रस्ता आहे, तर आपण एकाच व्यक्तीला नियम सांगत नाही, तर आपण सगळ्या व्यक्तींना नियम सांगतो, सबको हम लोग नियम बता रहे, एक आदमी के लिए अलग नियम नहीं हो सकता है। जैसे कि मेरा काम है ये, यहाँ से सबको अंदर लाना है तो मुझे लाना ही है, और अगर आप गलती से भी यहाँ से आते हो, आने के रास्ते से आते हो तो कोई मतलब नहीं है, तकलीफ नहीं है, अगर कोई आने के जगह से जाता है तो मुझे तकलीफ है, क्योंकि चार लोग मुझे पूछेंगे सवाल करेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, तो ये सब चीज़ें हम लोग उनको बता सकते हैं, क्या जवाब दूंगा, तो मेरा काम मैं कर रहा हूँ, आप अपना काम कीजिए। जब आप अपना काम करते हैं तो कोई अगर आपको रोकता है तो आपको कैसा लगेगा, उसी तरह मुझे मेरे काम के वक्त अगर कोई रोकता है तो मैं मेरा काम नहीं कर रहा हूँ, ये होता है, समझ गए। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, करेजियस, हमारे पास धाड़स होना चाहिए, मगर अगर धाड़स नहीं है तो सामने वाला हमारा क्या करेगा, गैर फायदा उठाएगा, क्या करेगा वो, कमजोर है वो, हाँ कमजोर है, दिखा देखता है कि हाँ ये कमजोर है, ये डरेगा और ये अपना काम नहीं कर पाए, मुझे डर के वो मुझे हमेशा छोड़ते जाएगा, तो ये हम लोग ठाम रहना चाहिए। इसके लिए मैं क्या बोलता, हमेशा गेट पकड़ के, गेट पे हम लोग अगर रहते हैं, अगर मैं गेट पे है बराबर है कि नहीं, अगर मैं गेट पे हूँ तो मुझे गेट पकड़ के रखना चाहिए,
अगर मैं यह साइड पे बैठा हूँ तो सामने से दौड़ के आएगा और निकल जाएगा, है कि नहीं। मैं ऐसा खड़ा रहूँगा कि जैसे